आईटी समिकेता मैं बोलती हूँ कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस आ रहा है ना, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अच्छा, क्या आप जानते हैं हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को हमारे देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। भाषा तो भाषा है, पता नहीं क्यों इसके बारे में इतना चर्चा करते हैं। हाँ, क्योंकि यदि भाषा न होती तो आज आप और हम इस तरह से बैठकर वार्तालाप नहीं करते होते। भाषा ही तो हमें एक दूसरे से जोड़कर रहना सिखाती है। वो कैसे? ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक व लिखित। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव को बोलकर व्यक्त करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे भाषण देना, फोन पर बातें करना, कहानी सुनाना आदि। भाषा के जिस रूप से मन के विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, परीक्षा लिखना आदि। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षरों की खोज कब और कैसा हुई। आदिकाल में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों व आदमियों के चित्र आदि। इसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का द्योतक बन जाता था, जो बाद में धूप या ताप का द्योतक बना। तब जाकर काफी बाद में इंसानों ने अक्षरों की खोज शुरू की। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है और मानव का अधिक तेजी से विकास हुआ है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। धीरे धीरे कई भाषाएं और उनके अक्षर बने हैं। अब हम आपको हिंदी भाषा के बारे में बताते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, उनमें से हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश की आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ये हमारी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी है। आइए भाषा भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा की परिभाषा, किसी वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी के जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम संज्ञा है, जैसे दिल्ली, किताब, सीता, शेर आदि। सर्वनाम की परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यहाँ, तुम्हें, उन्होंने, उसने, मैंने, हमारा आदि। संज्ञा तथा सर्वनाम का महत्व जितना है व्याकरण में उतना ही विशेषण और क्रिया का भी है। आइए हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे कमल नीला है, आम मीठा है, भवन पुराना है, लड़का छोटा है, कुआ गहरा है, सांप विषैला है। ये सब क्या है? नीला, मीठा, पुराना, छोटा, गहरा, विषैला, ये विशेषण है। विशेषण के बाद आने वाला शब्द भेद क्रिया है, तो आइए क्रिया की परिभाषा देखेंगे। किसी काम के करने या होने के बोध को क्रिया कहते हैं, जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। नाच रही है, दूध पी रहा है, कॉलेज जा रहा है, यह सब क्रिया है। अभी आप सभी ने हमारे शिक्षक मित्रों के द्वारा भाषा एवं भाषा भेद के बारे में जाना। आइए अब हम व्याकरण में कारक के बारे में जानेंगे। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता है। कारक के प्रकार, पहला कर्ता कारक, विभक्ति ने, उदाहरण अनिल ने कविता सुनाई। दूसरा कर्म कारक, विभक्ति को,
मैंने पौधे को पानी दिया। तीसरा कर्म कारक, विभक्ति से के साथ के द्वारा मीरा ने पेन से कविता लिखी। चौथा संप्रदान कारक, विभक्ति के लिए माँ ने बच्चों के लिए खिलौने लिए। पांचवा अपादान कारक, विभक्ति से अलग होने के पेड़ से फल गिरा। संबंध कारक, विभक्ति का की के वह राम का घोड़ा है। सातवां अधिकरण कारक, विभक्ति में पर मेज पर पुस्तक है। आठवां संबोधन कारक, हे अरे अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। चलिए मैं आपको हिंदी साहित्य की विधाओं के बारे में बताती हूँ। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित विधाएं हैं, जैसे एकांकी, भाषण, नाटक, निबंध, पत्र लेखन, डायरी, कविता, साक्षात्कार, समीक्षा, गद्य व पद्य, संस्मरण, कहानी व वार्तालाप। आप हिंदी विधाओं के बारे में जान चुकी है, आइए मैं आपको हिंदी महीनों के नाम बताती हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। हमारे देश में मुख्य रूप से छह ऋतुएं हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु। हिंदी में सप्ताह के दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गया है। ये देखिए, रविवार अंग्रेजी में संडे, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेनसडे, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे और शनिवार सैटरडे। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग वहाँ की जनता करती है, इस कारण अपनी बोलचाल व व्यवहार में हिंदी का उपयोग करें। इससे हमारी एकता की भावना और मजबूत होगी। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। जैसे विद्वानों ने कहा है, अच्छा है बहुभाषा ज्ञान, इससे बनते हैं महान। सीखो जीवन भाषा अनेक, पर राष्ट्रभाषा न भूलो एक। जय हिंद, जय हिंदी।